स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने काइनेमैटिक्स, रेस्ट एंड मोशन पेज 29 को डिस्कस किया था। होपफुली आपने उसे याद किया होगा। आज हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन में बेसिक थ्री टाइप्स हैं। एक है मोशन की थ्री टाइप्स हैं, एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। तो आज हम पहले डिस्कस किसे करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन को। एज ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में विदाउट एनी रोटेशन। वो स्ट्रेट पाथ ऐसा सीधा भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है, दोनों सूटते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जब भी ट्रांसलेटरी मोशन का नाम लिया जाए तो आप समझे कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है या कर्व पाथ में मूव कर रहा है। और इसकी जो आम सी जो एग्जांपल है वो है कि कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एरोप्लेन फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट। तो ये सारी एग्जांपल ट्रांसलेटरी मोशन की आती हैं। तो आप जरा मार्किंग कर लें इसकी एग्जांपल पर और डेफिनेशन पे। ये टाइप्स ऑफ मोशन के लास्ट पर अगर आप पे लिखा हुआ है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर वन ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर टू रोटेटरी मोशन और नंबर थ्री वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के। द लाइन, वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है। द लाइन में भी स्ट्रेट आ कर्व, इसकी जो एग्जांपल है ठीक इस डेफिनेशन के ऊपर इसकी एग्जांपल है, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेटरी मोशन, ये पहले इसकी एग्जांपल हो गई। नंबर टू, सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन, ये इसकी सेकंड हो गई। और थर्ड इसका साइड रेफरेंस पे है, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइटर्स इन फेरिस वी। उसके बाद हम मजीद आगे चले तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है ना, ये ट्रांसलेटरी मोशन ये फर्दर तीन के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, फर्दर तीन मोशन में डिवाइड है। नंबर एक है लीनियर मोशन, नंबर टू है सर्कुलर मोशन और नंबर थ्री पे आ जाता है इसकी रैंडम मोशन। लीनियर मोशन क्या है? ये लीनियर मोशन की जो एग्जांपल है वो ही अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एरोप्लेन फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट, यानी कि बॉडी मूव करे इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो कौन सी मोशन होगी? लीनियर मोशन होगी। आप जरा मार्क करें इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। ठीक इसके नीचे इसकी एग्जांपल है, एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, ये इसकी पहली एग्जांपल है। एंड नंबर टू, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकल एंड डाउन आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन, ये इसकी दो एग्जांपल आप साथ दें। इसी तरह थर्ड एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक इस डेफिनेशन के ऊपर है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज कार मूविंग इन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज लीनियर मोशन। कम अज कम आप इन डेफिनेशन के साथ दो एग्जाम्पल लास्ट में दे, मैंने आपको तीन तीन मार्क करवा। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन, बॉडी जब मूव करे सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसको उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अगर आप एक पत्थर ले, स्टोन ले, उसके साथ थ्रेड बांधकर उसे ऐसे घुमाएं तो वो जिस पाथ में मूव कर रही होगी ऐसे गोल गोल, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एक इसकी पहली एग्जांपल इस पैराग्राफ के स्टार्ट है, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी मेड टू व्हील,
इसी तरह ये जो है इस डेफिनेशन के ठीक नीचे अ टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, आपकी फिगर भी बनी हुई है इस डेफिनेशन के साथ, बच्चों का खिलौना होता है ट्रेन जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ये इसकी दो एग्जांपल। इसी तरह मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जमीन जो सूरज के गिर्द घूम रही है, एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये तीन चार एग्जांपल है, कम से कम आप दो एग्जांपल इसके साथ लास्ट में करें। उसके बाद हमारी तीसरी आ जाती है लीनियर हो गई, जिसमें बॉडी मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी मूव करता है इन सर्कुलर ट्रैक, एंड थर्ड वन इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या है, जिसमें कोई तरतीब नहीं, इररेगुलरिटी है मोशन में, यानी कि जिग जैग मोशन इसे हम बोलते हैं। जैसा ये बटरफ्लाई है वो जिग जैग मूव करेगी, इसी तरह इंसेक्ट है वो भी दाएं बाएं आगे पीछे मूव करते हैं, तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। तो ये डेफिनेशन है पेज 31 पर, द डिसऑर्डर्ड और इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसकी एग्जांपल ठीक इसके नीचे पैराग्राफ है, थस मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन, ये इसकी पहली एग्जांपल होगी। इसी तरह ये डस्ट स्मोक पार्टिकल्स जो हैं जो हवा में मूव करते हैं वो भी zigzag मूव करते हैं, द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल इन द एयर इज ऑल्सो रैंडम मोशन, इसकी सेकंड एग्जांपल होगी। और नंबर थर्ड पे है द ब्रोनियन मोशन ऑफ अ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ zigzag पाथ, तो इस तरह की जो मोशन होगी वो रैंडम मोशन होगी। आज हमने जो पढ़ा है उसका रिव्यू देखने, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर है तीन मोशन बयान की गई हैं आपकी बुक पे, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। हमने आज सिर्फ डिस्कस किया है ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन कर भी हो सकती है स्ट्रेट भी हो सकती है। ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइडेड है तीन मोशन पे, एक लीनियर है, एक सर्कुलर है, एक रैंडम है। लीनियर में बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मूव करता है, और सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और रैंडम मोशन में बॉडी डिसऑर्डर और इररेगुलर जो मोशन होगी उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है। आप ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखें, उसकी पहले मेजर तीन टाइप्स को बता दें मोशन की, फिर ट्रांसलेटरी मोशन की, ये तीन टाइप्स को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना। थैंक यू।